कोशिश तो होगी। सऊदी अरेबिया के अंदर तो बहुत बड़ी चेंज आई है, वहाँ की जो रूलिंग फैमिली है, क्राउन प्रिंस हैं, वो तो उन्होंने तो ऐसा डायरेक्शन बदला है अपनी किंगडम का या मुल्क का कि जो लोग वहाँ रहे हैं, हम 10 साल में रह के आया हूँ। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज भी हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि ऑथर भी हैं और हम अक्सर तारिक साहब को सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। नमस्ते। सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले हम आज बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब की। ईरान ने है वो आमादगी जाहिर कर दी है कि वो सऊदी अरब में अपनी एम्बेसी बनाने के लिए तैयार हैं। हमेशा से हम ये शिया सुन्नी और इस किस्म की टेंशन देखते रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको? क्या ख्याल है आपका कि ये एक बेहतरी की तरफ एक कदम है? क्या ये कुछ चेंज लेकर आएगा दुनिया में? कोशिश तो होगी। सऊदी अरेबिया के अंदर तो बहुत बड़ी चेंज आई है, वहाँ की जो रूलिंग फैमिली है, क्राउन प्रिंस हैं, वो तो उन्होंने तो ऐसा डायरेक्शन बदला है अपनी किंगडम का या मुल्क का कि जो लोग वहाँ रहे हैं, हम 10 साल में रह के आया हूँ, वो ये उनको यकीन नहीं आता कि ऑल ऑफ अ सडन जो इतना मुतवों के अंडर और मौलवियों के अंडर था, वो ऑल ऑफ अ सडन इरप्ट करके एक काफी लिबरल एटमोसफियर में है, और जहाँ पे रूलर जो है क्राउन प्रिंस MBS, वो खुद कह रहे हैं कि भाई 200-250 साल पुरानी लिखी हुई रसूलुल्लाह के डेथ के बाद लिखी हुई बातों पे मैं कैसे उससे कानून बना लूं, मुझे कोई एविडेंस ही नहीं है। तो ये तो बहुत बहादुरी की बात की, क्योंकि आम आदमी है, जब बात करता था तो उसमें तो कुफर का इल्जाम लगता था। तो अब ये सऊदी अरेबिया की रूलर ये कह रहे हैं, तो इसके अंदर फिर गुंजाइश मिलती है आपको कि किस किस बात किस किस किन किन पहलुओं पे मुसलमान इस्लाम के बारे में बात कर सकते हैं। अब तक तो ये था ना कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते थे कोई, और ईरान एज दी ओनली शिया डोमिनेंट कंट्री, उनका पुराना तजाद है सुन्नी इस्लाम से, पिछले 1400 साल से चल रहा है, उमय्ये डायनेस्टी के जमाने से। शियों को तो पनाही सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती थी, आप शायद लोगों को ना पता हो कि कहीं पे भी जो अहलुल बैत को फॉलो करने वाले हैं, दे कुड नॉट लिव एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया, और ये ईरान ये सुन्नी मोनार्की होता था। लेकिन अब इन दोनों का आपस में मिलना एक नेक शगुन है, लेकिन इसके अंदर ईरान की क्या पोजीशन है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो खुल के बगावत है आम लोगों की, औरतों की, और दोनों मुल्कों में अब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस तो नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो टॉक्स हो रही हैं ईरान के साथ, उसमें वी कैनॉट टेल एट दिस स्टेज कि ये क्या कहते हैं, ऊँट किस तरफ बैठेगा ये हमें पता नहीं, क्योंकि अमेरिका शरीफ खुद अपनी लीडरशिप की किल्लत देख रहा है कि एक से एक जहालत के स्टेटमेंट आ जाते हैं, पता नहीं चलता उनको, यही नहीं आज तक समझ में आता कि ये इनके ऊपर हमले अंदर से क्यों होते हैं और कौन है। 9/11 हो गया, उनको असर ही नहीं पड़ता कि असल उनकी फाइट किससे है। ईरान के पास बम नहीं है, लेकिन ईरान से खौफ है, और पाकिस्तान जिसके पास बम, छोटे बम, पब्बे बम, हर टाइप का बम है,
उससे वो उनसे अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो ईरान मोर स्टेबल कंट्री देन पाकिस्तान, ऑल्दो इट्स अ वर्स्ट सॉर्ट ऑफ अ डिक्टेटरशिप। और अपोजिशन करना या किसी औरत का हिजाब उतारना भी खिलाफ कानून है, एंड यू कैन बी सेंट टू प्रिजन, इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर बातचीत होती है और एम्बेसीज होती हैं तो शायद इसमें थर्ड पार्टीज बीच में घुस के मिला सकती हैं। ये किसी ज़माने में पाकिस्तान का रोल होता था, अब तो पाकिस्तान ये पोजीशन है कि जो भीख देता है उसकी बात करते हैं हम, एंड देयरफॉर वी हैव नो लोकल स्टैंड आई। आपने अपने आप को अरबों से और ईरानियों से झगड़ा करके तुर्की से मिला लिया और पूरी कौम नाचने लग गई इर्तगाल के नाम पे, और हर एक से ताल्लुकात खराब कर लिया आपने। बस वहाँ से आएगा कुछ तुर्की खलीफा और खिलाफत मूवमेंट फिर शुरू होगी। पाकिस्तान का तो समझ ही नहीं आता कि दानिश्वर जो हैं, इंटेलेक्चुअल जो हैं, एकेडमिक्स जो हैं, वो क्या पढ़ते हैं या पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अपने आप को ईरान और सऊदी अरेबिया से जो थोड़ी बैलेंस रिलेशनशिप थी वो काट कूट के तुर्की से जाके मिल गए और वहाँ मलेशिया को मिलाया हुआ है, तो फर्दर डिवीजन आई है। आप डिप्लोमेटिकली देखिए, अगर एज अ पाकिस्तानी देखना है तो इंडिया हैज मेड ग्रेट गेन्स गल्फ स्टेट्स के अंदर या सऊदी अरेबिया में, इवन इन इजिप्ट एंड एल्सवेयर। पाकिस्तान को तो आपको घास वास नहीं डालता ना, जब आप प्राइम मिनिस्टर आपके बेडरूम के कपड़े पहन के दुनिया भर में घूम रहे हो, ऊपर एक जैकेट अंग्रेजों की पहन लेते, इट लुक्स वेरी फनी। उनको पाकिस्तानी हो बट मीटिंग में तो नहीं जाता ऐसा, हर एक नेशनल ड्रेस होता है, कुछ होता है, ये तो कहीं के नहीं है। एंड बट टू सम इट अप, ऑफ कोर्स इट इज अ हेल्दी थिंग, ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव एम्बेसीज इन ईच अदर्स कंट्रीज। तो सर ये जो ईरान की ही मैं बात करूंगी, अगर के ईरान के टर्म्स जो है वो इंडिया से भी काफी बेहतर है, अभी जो पाकिस्तान ने उनको ले जाने नहीं दिया अफगानिस्तान के लिए, जो भी वो मदद भेजना चाह रहे थे तो उन्होंने फिर ईरान का सहारा लिया और ईरान के थ्रू वो जा रहे। तो इसी तरह से सऊदी अरब जो है वो काफी हद तक लगता है कि इसराइल को तस्लीम करने की तरफ भी बढ़ रहा है और बहुत सारे चेंजेस जैसे आपने कहा कि वहां पर हो रहे हैं, उन्होंने बल्कि जो तबलीगी जमात है उन पे भी बैन लगाया है। तो ईरान आपको लग रहा है आगे बढ़ता हुआ लग रहा है ईरान आपको? देखिए ईरान जब तक एक मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी और औरत और मर्द की इक्वालिटी नहीं होगी वहां तरक्की नहीं हो सकती। ये जो सऊदी अरेबिया में चेंज आया है, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये इन शहजादों की माओ की एजुकेशन की वजह से हुआ कि वो लड़कियां जो 80s 90s में यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने गई और वहाँ उन्होंने मास्टर्स किया, ये को तो वहाँ हार्वर्ड या इधर उधर दाखिला मिल जाए आपको, आप बैठे ही रहें तो आपकी अकल जरा एडजस्ट हो जाती है, आपको सोचना आ जाता है। तो ये तो मास्टर्स करके आई हुई हैं सारी, इनके बच्चे पढ़ के। ईरान में आप देखिए कि वहाँ अगर जब तक कोई अरब ना हो वो ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं हो सकता, यानी ईरान में कोई फारसी पर्शियन बैकग्राउंड का सुप्रीम लीडर नहीं कह सकते, ही हैज टू बी एन अरब ऑफ द कुरैश ऑफ द हाशमी सब क्लैन टू बी द सुप्रीम लीडर। ये यानी ये तो टाइम ट्रैवल कई दफा लगता है कि काली पगड़ी अगर नहीं है, यानी बनू हाशिम के नहीं हैं आप, तो यू कैन नॉट बी सुप्रीम लीडर। और बनू बनू हाशिम तो अरब ही होगा ना, विच मीन्स ईरान का सुप्रीम लीडर हैज टू बी एन अरब बट नॉट अ पर्शियन पर्सन ऑफ पर्शियन एंसेस्ट्री। तो ये हम पिछली कई सदियों से हमारी ब्रेक लगी हुई है, हम आगे जाना चाहते हैं तो रिवर्स में डाल लेते हैं, हमसे मेरा मतलब मुसलमान जो हैं। अब देखिए कि एक ही मजहब कितनी डिफरेंट फॉर्म्स में, टर्की के अंदर आप वेस्टर्न टर्की में जाइए तो एक अजीब अलग सर इस्लाम मिलता है, बोस्निया में अलग मिलता है, आप इंडोनेशिया में चले जाएं आपको बिल्कुल अलग मिलता है। और पाकिस्तान की खिदमत ये है कि यहीं से सारा कूड़ा करकट निकलता,
अभी आपने तबलीगी जमात की बात की जो सऊदी अरेबिया ने पाबंदी लगाई है, जो लेटेस्ट बॉम्बिंग हुई है ये तबलीगी जमात के थे ब्लैकबर्न के, जो वीजा यूनाइटेड स्टेट में घुस गए आफ्टर हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। इनका नेटवर्क देखिए आप क्या है, द मैन गॉट इन आफ्टर हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, तबलीगी जमात के मेंबर, सऊदी अरेबिया उन पे बैन लगा चुका है और वो घुस गए अमेरिका में, तो कैसा नेटवर्क होगा और किससे लड़ेंगे आप? आपको फिर सस्पिशन से देखेंगे ना, और हर जगह के क्राइम के पीछे पाकिस्तान लग जाता है, यू नो इट्स एन ऑड थिंग। ये इंसिडेंट टेक्सास में हुआ, व्हाई डज इट ऑलवेज हैव टू बी अ पाकिस्तानी? क्योंकि आपकी अपनी आप अपने आप से शर्मिंदा है ना, आपको पता ही नहीं कि आप हैं कौन। दुनिया में कोई लोग ऐसे नहीं है जो अपना नाम अपनी जमीन के साथ नहीं रखते सिवाय पाकिस्तानी को। लेकिन सर साथ ही इमरान खान जो हैं वो रशियन प्रेसिडेंट को बड़ी मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने जो है पहले वेस्टर्न लीडर हैं जिन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की है, वरना कोई बात नहीं करता, और इस चीज को लेके वो बड़े एक्साइटेड हैं कि जी उन्होंने बात की उनके रशियन प्रेसिडेंट ने इस बारे में। तो क्या ये अमेरिका, और क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को थोड़ा साइडलाइन किया है, अमेरिका थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दे रहा है। ये कजाकिस्तान में भी जो हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स रूस को ये बता रहा है कि यूक्रेन में तो अगर तुमने गड़बड़ की तो हम तुम्हारे पीठ पीछे ये कर सकते हैं। ये इतने को मासूम पप्पू लोग नहीं जो सडनली उन्होंने कहा तेल महंगा हो गया तो इतना बड़ा मुल्क उसके अंदर क्योस आपने क्रिएट किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स अपनी अपनी हरकतें दिखा देता है कि हम यूं एक बटन दबाएं तो यूं हो जाता है दूसरे, और उसके पेड लोग हर जगह बैठे हुए होते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में और जनरल्स कितने बैठे हैं जो इनका डायरेक्ट, जिनकी तनख्वाहें और जिनकी जायदादें सारी अमेरिका सरकार से जुड़ी हुई हैं। 1947 से आप उन्हीं के गुलाम बन के बैठे हुए ना, वो और बात है कि आजकल इतना जिक्र नहीं होता क्योंकि आजकल के जो लेफ्टिस्ट हैं वो एनजीओज के अंदर मजे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तनख्वाहें अच्छी मिलती हैं। कोई सियासी जमात में घुस के एंटी इंपीरियलिज्म की बात करता ही नहीं है आजकल देखिए। तो वी आर गोइंग इन अ फ्लक्स जहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स विद रशिया, और रशिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इमेंस रिसोर्सेज हैं, वेस्टर्न यूरोप को सारी गैस सप्लाई करता है रशिया। नीचे आप देखिए ब्लैक सी के थ्रू उसका कनेक्शन है इनटू द मेडिटेरेनियन, अब कहाँ कहाँ उसको बाल्टिक सी के अंदर, वहाँ फार ईस्ट के अंदर जापान के कोस्ट पे हर जगह रशियन प्रेजेंस है, आप उसको हटा नहीं सकते। अब पिछली सदी में नहीं हटा सके आप, जो रशियन जापानीज वॉर्स हुई थी हालांकि उसमें जार वार की पिटाई खूब हुई, लेकिन इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री स्प्रेड ओवर 14 टाइम ज़ोन्स, इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज, यू कैनॉट सिंपली टेक रशिया आउट ऑफ द इक्वेशन। ये रियलिटी पहले भी ट्राई की गई है, आजकल ये है कि बगैर किसी सोचे समझे कर रहे हैं। लेकिन सर साथ ही इसकी ये बात भी है कि जैसे सऊदी अरब चेंज हुआ है उसी तरीके से हो सकता है कि ईरान भी कभी ना कभी चेंज हो जाए, लेकिन जो तबलीगी जमात है चाहे वो पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हुई है कि सऊदी अरब के बदल जाने से, जो वहां के क्राउन प्रिंस ने कहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम यूरोप जैसा माहौल बना देंगे, तो ये कहते हैं, बल्कि एक मौलाना साहब आए थे मेरे शो में, वो कहने लगे कि मैं तो उसको यहूदी की औलाद मानता हूँ जो सऊदी क्राउन प्रिंस है, तो ये रिएक्शन क्यों आ रहा है हमारे यहाँ से? क्योंकि आपकी जिंदगी में सिवाय नफरत की कल्टीवेशन के आप कुछ और अपने कल्चर में अपने इंटेलेक्ट में हनूद और यहूद के पीछे लगे हुए ना, माएं बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे, जो मौत की दुआ करते हों कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे, क्या उनका इजाफा होगा जहन में? जहां 500 किताब बेस्ट सेलर बन जाए बिकने पे, वहां कौन पढ़ता है? ना लिखने वाला, ना पढ़ने वाला, ना जबान बोलने वाला, लोग अपनी जबानों पे शर्मिंदा झुक के चल रहे होते हैं, दुश्मन की जबान अपने मुल्क की नेशनल लैंग्वेज बना लेते हैं, तो
इनको भूल जाएं ये तो बुरा लगता कहते हुए, बट नासूर बन गए हैं तो लाइक इधर पैरासाइट्स जिस दे आर फीडिंग ऑन देमसेल्व्स एंड दे विल नॉट रेस्ट टिल दे ईट अप देमसेल्व्स, या टर्माइट्स होते हैं या पैरासाइट हैं, इसके अलावा रोल ही नहीं हमारा कोई, ना आपका किसी सोच में है, ना फिलॉसफी में, ना इंजीनियरिंग में है, ना एग्रीकल्चर में है, कुछ है ही नहीं देने का सिवाय ये कि आप करप्शन के अंदर यू आर एट द टॉप एंड यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ पुअर कंट्री एंड एनरिचिंग योरसेल्व्स। मैंने सुना आप प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जायदाद बनीगाला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जी जी बनीगाला जी, बताइए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके भैंसे बेच रहा है, वहां बनीगाला के अंदर जायदादें बन रही हैं, प्राइम बीवी जो है वो पिंकी है, वो जिनों में बिलीव करती, ये तो कॉमेडी सेंट्रल है, इट्स नॉट अ कंट्री। हमारे यहाँ कनाडा में बड़ा अच्छा शो होता है जिसके अंदर डायलॉग कोई नहीं होता, सिर्फ एक्शंस होते हैं, बट इट इज अ हिलेरियस शो, मुझे वो लगता है। लेकिन सर यहाँ पे ये भी है कि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़कर, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि जी म्यूजिक ना सुने, म्यूजिक हराम है। अगर आप कोई छोटा बच्चा उसके सामने म्यूजिक बजाए वो ऑटोमेटिकली डांस करने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये कहना कि म्यूजिक हराम है सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान ही कहते हैं, अरब तो कैसे कैसे डांस कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं उनको, इनकी शक्लें खराब हैं, इनकी बदकिस्मती है, इन्होंने जिंदगी में किसी को डेट नहीं किया है, इनकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, अगर किसी से रिश्ता भी है तो वो छुपा के गांव की बीवी रख लेते हैं। ये इन पे तरस आना चाहिए, इन जिन जिसको म्यूजिक से वो तकलीफ पहुंचती हो वो इंसान नहीं है, वो इंसान का बाय प्रोडक्ट है। जैसे एक फैक्ट्री लाइन में कुछ चीजें खराब होती हैं तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, ये वो लोग हैं जिसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा हिस्ट्री में। कुत्तों से इनको नफरत, सारी दुनिया बेचारे कुत्तों को गले लगा के प्यार से, घर में आपके अगर पेट डॉग हो आपका जिंदगी बदल जाती है, आपको कुत्ते से दुश्मनी, दुनिया अच्छा, आपका करीबी दोस्त जो है चीन वो कुत्ते खा जाता है, आपका काम क्या कुत्तों पे लानत भेजते हैं कुत्ते की आवाज। यहाँ तो मौलवी ये भी बताते हैं कि अगर इकोनॉमी ठीक करनी है कुत्ते भेज दो सारे उठा के चाइना को, बताइए मौलवियों का गोश्त तो कुत्ते के गोश्त से तो बेहतर होगा, ये बेचे ना वहां, बल्कि तवाइफे जो भेज रहे उनकी जगह मौलवियों को भेजना चाहिए। चीनी देखे हाँ ये क्या चीज है भाई, इसको कैसे खाया जाए। और सर अभी आपने भी बल्कि वो वीडियो शेयर की अफगानिस्तान की कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको आग लगा रहे हैं, ये क्या बदनसीब कौम है जिसको हारमोनियम से खतरा है। जस्ट इमेजिन दुनिया जो है वो म्यूजिक में कहां चली गई, ऑर्केस्ट्रास कहां चले गए, कैसा कैसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया इंसान ने। हम जब तक जमीन पे नहीं बैठते हमारा म्यूजिक नहीं बजता। नहीं और हम तो सुनते थे तानसेन के बारे में कि वो गाते थे तो आग लग जाती थी, अगर वो होते तो देखते कि जिसको बजा के वो गाते उसी इंस्ट्रूमेंट्स को आग लगा रहे। तानसेन को ये बनीगाला जाने की वो नहीं थी, ना उनको वो बीमारियां थी जो हमें हैं। हम तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात, और कहते हैं हम हिंदुस्तान, अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है, तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो, पे जो है वो अरबी में नहीं है और स्थान जो है वो संस्कृत में और बनाया तो अल-पाकिस्तान बोलते हैं। अरे स्थान वर्ड जो एक कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान ये सब संस्कृति वर्ड है। अफगानिस्तान तारिक साहब ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ इनको गले में भारी हो गए एकदम पान खा गए रमजान इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। छोटा सा अफसाना बड़ा अच्छा था, स्कूल में थे जब पढ़ा था, कि वो बेटा बाप को कहता है आप क्यों आ जाते हैं स्कूल, मुझे सबके सामने शर्मिंदगी होती है,
बाप गरीब फैमिली का था तो ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज फादर। ये लोग अपने माँ बाप से शर्मिंदा हैं कि ये पंजाब में कैसे पैदा हो गए, हमें कहीं स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं पैदा। ये बात करें, मैं आपको बिल्कुल असली वाक्या बताती हूँ जो मैंने खुद देखा है। मेरे फादर एक साहब थे, उनसे पैंट कोट सिलवाया करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छी टेलरिंग करते थे। उन्होंने वही कर करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था, और डॉक्टर को जो थे उसको शर्म आती थी कि मेरा बाप कपड़े सीता है, तो वो बेचारे छुप कर कपड़े बनाते थे कि मेरे बेटे को पता ना चले कि मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ, और वो उसी पैसे से वो डॉक्टर बना था। इस तरह के तो यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। लेकिन सर, हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ये मोहित यूसुफ साहब को कहा गया कि जाओ अफगानिस्तान और वहां जाके उनकी मदद करो इकोनॉमी। उनको नक्शा दिखाया, उनको पहले नक्शा दिखाया था कहाँ है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के तालिबान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा यहाँ तशरीफ मत लाइएगा। कौन एक्सेप्ट करता है आपको? तालिबान आपका बॉर्डर की फेंस उठा के फेंक देता है, आप कहते आप उसे हाथ पांव जोड़ लें, वो आपको घास नहीं डालता। आप इस्लाम बेचेंगे तालिबान को? वो दियोबंद से बन के आए हुए, आपको तो कुछ पता नहीं है। किस आप किस कभी इमरान खान से पूछे ना, भैया कौन सा तुम दीन फॉलो करते हो, किस फिरके के हो, किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हो, बरेलवी हो, दियोबंदी हो, क्या हो तुम भाई, कुछ तो बता दो। झूठ तो तुम बोल रहे हो कि मैं पठान हूं, वो तुम जलंधर से, इतने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये तीन बहनें थी, उनके बच्चे ये जावेद बरकी, माजिद खान और इमरान खान, ये सब इस पंजाब के अपने आप को हम पठान है क्यों? अरे पठान के बारे में वो है कि ही इज अ ब्रेव मैन और ये वो, तो हरकतें पंजाबियों की, अपनी मादरी जबान कभी बोली नहीं और बन के निकले। तो बात करो ना पश्तो में भी, एक दिन टॉक टू द नेशन करें पश्तो में, देखते हैं क्या बात करेंगे। कय्यूम खान से ज्यादा आगे नहीं निकल सकते ये लोग। लेकिन यहाँ पे उन्होंने तो तालिबान ने इनको मना कर दिया कि नहीं जी हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, हम अपने काम खुद कर लेंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनका ख्याल है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब ऐसे हैं जो पाकिस्तान को फिलहाल कहीं बचा सकते हैं। आप इस बात से एग्री करेंगे क्या? देखिए एक चीज याद रखिए कि अर्बन शख्स जो है, जो शहरी कल्चर का होता है, उसमें आप यू कैन डेवलप दैट पर्सन इनटू सीइंग राइट रॉन्ग, कुछ भी है उसको पता है कि 8 घंटे काम करना होता है, सैटरडे संडे ऑफ है, वेजेस क्या हैं, कॉस्ट क्या है। जिस बंदे ने सिर्फ पैसे कमाए हों क्रिकेट खेल के, जिसका किसी इस्लामी ट्रेडिशन से कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय अंग्रेज सरकार के, वो पट्टी पढ़ा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इस्लाम में कैसे वो इस्लामी रियासत, मदीना की रियासत कैसे बनाएंगे। वो हमीदुल्लाह साहब ने एक किताब लिखी तो पूछता नहीं है कि कहाँ से मिला ये आपका मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन, छपे जा रहा है विदाउट एनी एविडेंस कि ये इसकी सोर्स मटीरियल क्या है। जिसकी जो मर्जी आता है छाप देता है, बस गले में जरा भारी आवाज करके बात कर लें, वो लोग बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह इस पे दुआएं और ये वो। अरे खटा खट जिसकी मर्जी आ रही झूठ बोल रहा, इनसे को पूछे तो सही 18 घंटे रसूलुल्लाह की लाश क्यों पड़ी रही थी जून के महीने में मदीना में, बाल लड़ रहे थे लकड़ियों से और चाकुओं से, कभी जिक्र ही नहीं कर सकते। रियासत मदीना मनाएंगे तो क्या उसका एंड वही होगा जो हुआ? और जो एजुकेशन मिनिस्टर है शफकत महमूद साहब, वो कहते हैं कि जी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें यूनिफॉर्म ये होनी चाहिए कि लड़कियों जो हैं वो सर पे स्कार्फ लें और लड़के जो हैं वो टोपी नहीं पहनते, वो तो जाली वाली टोपी। उसको मैं कहता हूँ टोपी का अंडरवेयर, क्योंकि वो अरब अपने टोप के नीचे उसको एडजस्ट ग्रिप करने के लिए, जिस कौम को अपनी टोपी बनानी ना आती हो चीन से बनाता हो उसको टोपी पहनने का हक किसने दे दिया? आप 50 साल पहले जाएं तो ये सारा हिंदुस्तान का मुसलमान तुर्की टोपी पहने घूम रहा होता था, वो पीछे छल्ला लटक रहा होता था और ये ऐसे टन के चलते थे, कहा खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं हम भाई। अरे कोई चीज अपनी नहीं है,
लाचाजोर एक लिबास है जिसको धोती कहते हैं या तमिलनाडु में सब पहनते हैं। आप देखिएगा पंजाब में कभी कोई आया है कभी किसी पार्लियामेंट के सेशन के अंदर लुंगी में? शर्मिंदा है, अरे ये लिबास इसमें मेरे माँ बाप पहनते थे, ये कहां से आ गया? ना पैंट पहननी आती, ना सूट पहनना आता है, ना टाई लगानी आती है, ना धोती, ना शलवार कमीज, कुछ नहीं आता। सिर्फ ये आता है कि पैसा आया, बीवी की पिटाई करो, हिंदुओं को उठा के ले जाओ, उनकी बेटियों को भेज दो चीन जाके। एक मुल्क है, इसके लिए तो दुआ करनी है कि ये जल्दी या तो समझ में आए या अपने अपने रास्ते में जाए। लेकिन सर यहाँ पे जो वही बात है जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर की कह रही थी कि इस तरह की यूनिफॉर्म बना देने का क्या मतलब है कि क्या मतलब तालिबान वाला सेटअप बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको तालीम से ताल्लुक ही क्या है? एजुकेशन क्या यूनिफॉर्म का ताल्लुक है क्या? अंग्रेज के आने से पहले क्या लोग जो पढ़ते थे जाते थे को यूनिफॉर्म का मसला था? आप ठीक है यूनिफॉर्म बनाए इसलिए उसका होता है कि गरीब है या अमीर है स्टूडेंट, उसमें एक यकसानियत आ जाती है कि एवरीबॉडी इज इक्वल व्हेन वेयरिंग ए यूनिफॉर्म, नॉट के आप टीपू सुल्तान लगे सारे के सर और ये सर पे ये पहन के जाएं। आपसे कुछ बन पा रहा नहीं तो बच्चों को क्यों यूज कर रहे हैं वो अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए? पीला स्कूल कहते थे हमारे जमाने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, पीले स्कूल का बड़ा हुआ है वो, क्योंकि सारे स्कूल पीले होते थे। इट वॉज लाइक एन इंसल्ट, जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा फर्स्ट डिविजन में आया हुआ है सारी जिंदगी रहता है यार का, वो नंबर दो नाजमाबाद का, अच्छा पीले स्कूल के हो तुम, खत्म। और जो पैसे वालों के हैं सेंट दिस एंड सेंट दैट, इंग्लिश मीडियम इधर उधर, लेडी ऑफ फातिमा, लेडी ऑफ ग्रेस और ये सब किनेट फलाना, वो अब भी रूल कर रही, अब भी 11 बजे उनकी चाय आती, नौकर बावर्ची जरा ये ले आओ। यानी वी आर डिसफंक्शनल, आजू दिस नीड्स टू बी वाउंड अप। ये मांझा नहीं होता है पतंग का, ये जी। क्या कहते हैं उसको जो जंगल अप हो जाता है तो फिर नानी को देते हैं साफ सीधा कर देते हैं। ये मांझा है उलझा हुआ, इससे पतंग आप नहीं लड़ा सकते, ना इस काबिल को रहा कि पतंग उड़ाने का, वो भी तो हराम है इस्लाम में। तो वो तो खैर वो कहते हैं कि डोरी जो है वो इलीगल है, उससे गर्दन कट जाती है, खैर वो तो यहाँ पे जब उसमें इतना गलत कुछ मिला देंगे तो होगा। लेकिन तारिक साहब इन्होंने ये भी कहा कि ये 100 साल आगे भारत के साथ लड़ना नहीं चाहते, कोई जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, क्या ये 100 साल कर पाएंगे? 100 साल में तो कुछ बचेगा नहीं, लोग इन कोई गेम बनाएंगे कि पाकिस्तान क्या था। आप अंदाजा लगाइए, ये इस पे सीरियसली आपके व्यूअर्स भी हैं वो थोड़ा सोच ले कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने 25 साल बाद कहा कि हमें माफ कर दो प्लीज, हम नहीं हैं पाकिस्तानी, हम बांग्लादेशी हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बंगाल में मुस्लिम लीग जीती, जो लोग सिंध के थे ना पंजाब में मुस्लिम लीग जीती, जो सिंध में थे जीएम अल्लाह बख्श उमरो को असैसिनेट करके, फिर जीएम सईद को झूठ बोल के, उनकी सालगिरह थी कल 114th ग्रेट लीडर, वो आजादी मांग रहे हैं, बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है, पश्तून कहते हैं डूरेंट लाइन नहीं है तो पंजाबियों को पता ही नहीं चलता है डूरेंट किससे लिखते हैं, दाल से आता है डाल से आता है, ये क्या है डूरेंट लाइन, डूरेंट का पता ही नहीं, तुम्हारे सर पे तलवार टंगी हुई है पिछले 70 साल से, तुम किसी पाकिस्तानी को नहीं पता ड्यूरन लैंड की होता है, कितों आ गया नई चीज आ गई कोई, तालिबान ने चपट करके मुंह पे मारा थप्पड़, ड्यूरन लैंड को टच किया तो हम जाली वाली सब काट कूट के आपको फेंक देंगे। आपने कन्फ्रंटेशन देखी होगी तालिबान और पाकिस्तान फौज की, बिल्कुल फौजी फौजी नहीं लगता सोल्जर जो है, हम तो बड़े सगे बने हुए थे तालिबान के, हमने तो सब कुछ करवाया था। हाँ बस लेकिन जो इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि 100 साल हम किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है उनसे बात नहीं हो सकती। हाँ तो आप डॉक्टर अल्लाह नजर से बात नहीं करेंगे, बिजन जो
साहब के बच्चों से बात नहीं करेंगे, आप वो छह नुकात जो हैं अपने अख्तर मेंगल के, सरदार मेंगल के, उससे भी बात नहीं करेंगे, भाई किससे बात करेंगे? 100 साल की जंग आप इंडिया से क्या लड़ेंगे जब आप अपने आप के लोगों मान रहे? आपने किसी को कभी कुछ कहा है? आप तो जब मौका मिलता है सरेंडर करते हैं। 90,000 की फौज सरेंडर कर गई। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि 1971 की वॉर के अंदर कोई एक पैसेज ऐसा बताइए जिसके अंदर पाकिस्तान की किसी यूनिट ने ब्रिगेड लेवल पे या कंपनी लेवल पे या कप्तान की उसमें कोई कोई एबिलिटी शो की हो टू रिजिस्ट द इंडियन इन्वेजन, जो वो कहते हैं। आप एक इंसिडेंट बताइए, एक फोटो है जिसमें जनरल नियाजी एक सोटी के ऊपर बैठे हुए यूं करके, उन्होंने कहा सर वो इंडियन आ गए, चाबी मांग रहे हैं घर की। अच्छा, तो वो बीटामैक्स पे फिल्म दिखाएंगे या वीएचएस पे? ये निगोशिएट किया आपने कि वो कौन सी फिल्म? पाकीज़ा। पाकीज़ा दिखाओगे नहीं दिखाओगे यार? पाकीज़ा भी खा दो यार, की हो रहे यो कंट्री, यू सरेंडर्ड द कंट्री टू सी पाकीज़ा? ये बेगैरत लोग, अंग्रेज की फौज में लड़ने सामने नेताजी थे, ये सारे अयूब खान, जनरल नियाजी, सबके सब बैठे हुए थे। आप किसी रिश्तेदार से पूछिए, बर्मा जंग पे गए हुए थे जी, किधर गए थे, कौन था? वो अंग्रेज फौज के साथ लड़ रहे थे, इसके खिलाफ लड़ रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। उल्टी दुनिया इनकी, यानी दे अब दे टेक प्राइड इन दी, अब्दाली ने लाहौर को जला दिया, ये पाकिस्तान में खुश हैं? अब्दाली आया जी ना, पूरा लाहौर हमने जला दिया, कख नहीं छड़िया, असी की करना है? अब्दाली मिसाइल का नाम रख दिया। कैन यू इमेजिन कि दो दुश्मन मुल्कों के बीच में कोई लड़ाई हो, एक आके आपका पूरा शहर जला दे, आप क्या ऐसा हुआ? अब तो नई डेवलपमेंट होगी, अब डिफेंस 2 यहाँ बनेगा, डिफेंस 5 वहां बनेगा, और इसीलिए अब्दाली के नाम का मिसाइल रख दिया। नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल ऑन अर्थ वुड डू व्हाट पाकिस्तानीज डू। पोर्ट कासिम कहां से हो गया? मोहम्मद बिन कासिम हमारा चाचा लगता था, राजा दाहिर की हुकूमत, और हमने उसके शहर का नाम पोर्ट कासिम रख दिया। वो तो सर जो लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, जो मौलाना साहब आए थे मेरे शो में, उन्होंने भी ये कहा कि जी फिर एक कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, वो फिर ये राम मंदिर तोड़ देगा, फिर दोबारा मस्जिद बना देगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी सिनेमा देखना हराम है, सिनेमा में काम करना हराम है, और हर चीज म्यूजिक और सिनेमा से रिलेटेड उन्होंने कहा सब हराम है। आप उनसे ये कहती मौलाना साहब, आपकी शक्ल अगर खराब है, बदसूरत है, और आपको इस दुनिया में कुछ नहीं मिला, तो हमारी जान क्यों खराब कर रहे हैं कि कयामत आए और फिर जाके हमको हूरे मिले? अपनी दाढ़ी वाड़ी ठीक कर लेते, थोड़ा वेट लॉस कर लेते, तो आपको यहाँ डेट मिल जाती, आपकी गर्लफ्रेंड होती, कोई जिंदगी गुजर जाती। बेचारों को बस बॉलीवुड की फिल्मों में बस देखते रहते हैं, अच्छा ये वो है वो जा रही नहीं देखते, वो कह रहे मैं फिल्में नहीं देखता, मेरे मुझे तो हराम, वो हराम कह रहे थे सिनेमा देखना। आप में तो आती होगी फिल्म इनको, मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा शोले फिर भी देख ली, शोले बड़ी अच्छी। नहीं नहीं, ये दे लायर्स, ये आपको अगर पाकिस्तान में रह के मौलवियों से चिढ़े तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ एक टूर लीजिए इंडिया का, एक से एक आपको मिलेगा बदबूदार आदमी जो हिंदुस्तान से नफरत करते हुए मुंह पे कहेगा कि हम तो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जान देने को हाजिर है। He is totally lying. अंदर बैठ के पुरानी दिल्ली में कहेगा ऐसा तो नहीं, अब देखिएगा 18 साल से बिल नहीं पे किया हमने बिजली का, देख कुछ नहीं कर सकते। वो मौलाना बुख जो है इमाम, वो अपने बच्चों को बर्थ प्लेस बुखारा लिखाते हैं, इमाम बुखारी, उनका इंडिया से ताल्लुक नहीं है। जिसका खाया पिया, जिसने पना दिया आपको, जहां रह रहे हैं, जिस राजा दाहिर ने मक्का से भागे हुए लोगों को पना दी, उनको आपने दुश्मन बनाया। जो रसूल्ला के साथियों को मारने आए वो हमारे हीरो बन गए, नहीं उल्टी गंगा बहती है, ये तो उल्टी कोई और ही दरिया। मैंने 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 उनसे ये भी कहा कि मैंने तो ये सुना है कि इस्लाम तलवार के जोर पर आया था हिंदुस्तान में, कहते हैं अगर ऐसा हुआ होता तो कोई हिंदू बचा ही ना होता,
माशाल्लाह गलती से चंद्र गुप्ता मौर्य बच गए। ये यानी अंदाजा लगाइए, मोहम्मद बिन कासिम को सेलिब्रेट करते हो, फिर उसी सेंटेंस में कहते तलवार का तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस्लाम से, लोग बस हमारी शक्लें देखते थे, कहते वाह 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 कैसे लोग आ गए, वाह हम मुसलमान बनेंगे। इतने इतने झूठे लोग हैं, इनसे कोई बताए कि मिस्र में इन्होंने इस्लाम फैलने पर रुकावट डाल दी, क्योंकि वो जो जजिया है उस कम पड़ गया था उमय्यद खलीफों का, तो उन्होंने कहा ये मिस्री मिस्र में लोग मुसलमान क्यों बन रहे हैं, ये तो टैक्स हमारा कम होता जा रहा है, उन्होंने कहा ये बंद कर दो। सो इन इजिप्ट दे स्टॉप, यू हैड टू पे अमाउंट ऑफ मनी, जैसे वो पगड़ी पे घर नहीं होते कराची में, उस तरह लोग मुसलमान होते थे। आपके सिंध में जो अरब इन्वेडर था वो तो रहता था एज अ मुस्लिम, जो कन्वर्टेड था जो सिंधी यहां का आदमी मुसलमान होता था ही हैड टू पे जजिया। लेकिन आपको थोड़ी पढ़ाया जाएगा ये, आप तो कहेंगे एक जगह मोहम्मद बिन कासिम दूसरी जगह मोहम्मद अली जिना, ये दोनों आए घोड़ों के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, और वो बंगाली जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और उन्होंने कहा भाई माए बाप माफ करो हमें, हमें जान छोड़ो ये नहीं चाहिए, शेख मुजीब के सामने ही वाज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, नो लेट दीज पीपल गो, ही रादर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश after winning a war then to be prime minister of pakistan and bangladesh samajh nahi aati kuch har jang mein aur phir kehte jeet gaye aur aaj dekhiye bangladesh kahan hai ki usko dekh ke rush aata hai india se aage hai 10% a year per growth ho rahi hai unhone sara focus auraton ki education employment and transportation pe lagaya। सुबह आप जाइए ढाका के अंदर लोग जा रहे होते हैं लड़कियां स्कूटरों पे और साइकिलों के ऊपर, इट इज अ प्लेजर टू वॉच देम। मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्लीज विजिट बांग्लादेश, जाइए रोड से और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, ये हमसे गुनाह जो हुआ है ये इसकी इसकी पेमेंट कौन करेगा, उन्हें अपोलोजाइज नहीं। मुझे एक हमारे कोई रिटायर्ड फौजी है उनसे मैंने बात की तो वो कहने लगे नहीं वो जो कुछ हुआ बांग्लादेश में हम नहीं थे बल्कि हिंदुस्तानी फौजी थे जो पाकिस्तानी फौज की यूनिफॉर्म पहन के सब कुछ कर रहे थे। मैं 1970 में कराची सन के अंदर रिपोर्टर था जूनियर, मैंने पूरी जंग इनसाइड द एडिटर्स रूम देखी है और वो दिन भी देखा है जब प्रेस क्लब से लोग वॉकआउट करके गए जब याया खान ने आके कहा द फाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट शैल कंटिन्यू, ऐसे लोग जागदार रहे थे। वहां एक चौकीदार था हमारा प्रेस क्लब का पश्तून था और हम दो थे, वी वर द ओनली पीपल इन टीयर्स, हमारी साइड हालांकि जीती थी, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते थे लेकिन पाकिस्तानियों की यह हालत थी कि दे हैड नो सॉरो, कोई आपकी मां मर जाए और आप कहें यार ईद का चांद निकला नहीं निकला, इनके इश्यूज ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि वो पार्टिश ये जंग हारने के बाद पाकिस्तानी करेंसी बिकेम वर्थलेस, तो ये नाला जो है कौन सा आई चुंदरीगढ़ रोड और प्रेस क्लब वाली सड़क पे उसके अंदर दे वो millions of rupees that were flowing in the gutter because they were worthless, puri pakistani currency was demonetized, ye usme bhi shock nahi hue, usme bhi black kar rahe the ki jitna 5000 rupees allowed hai to ye aadmi line mein lag jayega, itne paise isko de dein to 5000 ki bajaye aap 3000 wapas milega, ye aap mulk ki tabahi mein fraud kar rahe the log, और भूखा बंगाली और भूखा बंगाली यही कहते कहते और चंगा चला गया उठते थे साइक्लोन आंदा, ये सुन सुन के हम थक गए थे। द वर्ड भूखा बंगाली वाज पार्ट ऑफ उर्दू लिटरेचर, अभी तक चलता है, आज भी बहुत लोग बात करने में महावरतन इस्तेमाल करते हैं, यही बोला जाता है। श्रीलंका को वो एड देता है
मालदीव को बांग्लादेश एड देता है, उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर किया, भाई बहुत निकले आपको कुछ चाहिए हम दे देंगे आपको, बहुत बड़ा दिल है उनका कि सब कुछ होने के बाद भी वो अगर पाकिस्तान को ऑफर कर रहे हैं, बनाया ही उन्होंने था, पाकिस्तान था ही वो। आप किसी से तो पूछिए कि क्यों सिंध में और पंजाब में और सरहद में और बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नहीं जीत रही और यहाँ बन गया पाकिस्तान, और जहां जीती वो वहां बैठे हुए यूपी के अंदर और बिहार के अंदर, हम तमाम और ये वो हैदराबाद वो भोपाल यहाँ सबके, वो उधर इंडिया पे वैसी टाइप के लोग जो हैं वो वहां ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उधर बांग्लादेश ने हाथ पांव जोड़ के कहा माफ करो गलती होगी साहब, हम बांग्लादेश हैं, हम आजाद हैं, खुश हैं, आप जाइए दबाव जाइए, ना आपका ईरान दोस्त पहले आया करते थे, शाह ईरान विजिट करते थे, प्रिंसेस सुरैया आती थी, आपने कभी सुना है वो कोई शॉपिंग करने आया हो? नहीं आता, जाहिर शाह कोई ताल्लुक नहीं आपका, आपकी चीन से आप बेवकूफी की बातें करते, टॉलर देन द माउंटेन डीपर देन द सी, नोट्स लेके आप प्राइम मिनिस्टर जाते आपका नोट पढ़ता, कहना क्या, उन्होंने कहा जी इंग्लिश ठीक बोल रहे ना बस राखी चीनियों दे राज, मेकिंग अ फूल आउट ऑफ देम, खा गए आपको, चाइनीज लूट के ले गए आपको, दे टुक ऑल योर कॉपर गोल्ड सी पैक ए पैक जितना था, पाकिस्तानी जनरल और चाइना हैज लूटेड दैट कंट्री, एंड ये बैठे हुए जेल अपने शिफ्ट कर दिए चाइना ने इनटू ए जो पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान एरिया है, इसी दिन इंडिया ने कहा ना कि ये कश्मीर का सलूशन कर दें, प्लेबिसिट करा लीजिए, तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है कि एवरीबॉडी हु डिडंट लिव इन कश्मीर ऑन अगस्त 14 1947 शुड लीव द एरिया। तो ये चाइना के जो जेल बन रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में और फौजें जो उस पर, और जो इलाका आपने चीन को प्रेजेंट में दिया क्योंकि आपका तो था ही नहीं, ये कहां जाएंगे सब लोग, हटाएंगे आप चाइना की फौज को, हटना तो पड़ेगा, इलीगल तरीके से दिया है ना इन्होंने, इनका राइट तो नहीं है देने का, वो 30 बिलियन कितना मांग रहे हैं दो इंजीनियर की कीमत, 36 बिलियन डॉलर चाहिए। और हमारा इंजीनियर जो है वो ढाई ढाई आने में बिक रहा, हर माल मिलेगा दो आने, हर माल मिलेगा दो आने, हमारे बचपन में होता था, लो लो भैया ये हमारी को वैल्यू नहीं है, ये हमने खुद किया अपने साथ जो कुछ हुआ, ये हमने खुद ही किया, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। देखो आरजू, हम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप सोचिए 5% पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते थे, आपने आके कहा कि इस मुल्क की जबान उर्दू होगी, और उर्दू जो है वो जहां की जबान है वो हमारा दुश्मन है, कैन यू इमेजिन हाउ स्टूपिड दैट इज। आप सोमालिया आजादी के लिए जंग लड़े इटली से और फिर कहे इटालियन हमारी जबान है, अरे घास खा गए हो तुम लोग, कराची पे कब्जा कर लिया, वहां के सारे ज़ोरास्ट्रियन गोन हिंदू सबको निकाल दिया आपने, शहर को तबाह कर दिया, जहां धुलता था वो शहर हर रोज 3 बजे, वहां पीक इंट्रोड्यूस कर दी, पान की पीक हर जगह आने लग गई, बैठे हुए सड़कों पे लोग पेशाब कर रहे हैं, ये कर दिया आपने कराची को, और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है नेक है और मदीना रियासत की तरह बनाएंगे, और नियत साफ करें, कभी सच बोलना सीखें, खुद ही ठीक हो जाएगा, और सच आसानी क्या है कि याद नहीं रखना पड़ता, दैट्स ट्रू, और उसके साथ ही अपनी गलतियां भी मान जाएंगे सच बोलते ही और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो मानते ही नहीं कि कुछ गलत है, कहते हैं सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, सारी दुनिया के हर जगह जहां जुल्म हुआ है दे हैव रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट बाय एक्नॉलेजिंग कि हमसे गलती हुई, जैसे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन डेजमंड टूटू की तो अभी डेथ हुई है, उससे पहले ANC के साथ वाइट माइनॉरिटी रूल साउथ अफ्रीका में उन्होंने सबके सामने बात की कि ये ज्यादतियां हुई हैं, ये हम आइंदा नहीं करेंगे, और ये रास्ता है आगे चलने का, आप आज तक हिंदुओं की बेटियों को जबरदस्ती मियां मिट्टू मुसलमान कर देते हैं और ले जाते हैं, बेच देते हैं आप, यानी और अभी
तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो स्पेशली जो मौलवी है वो समझते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देंगे नो दैट इज एक सुनने ये बिलीफ है अंडर इस्लामिक शरिया लॉ कि जिस दारुल खिलाफत पे आपने एक दफा कब्जा किया है वो हमेशा आपकी सॉवरेनिटी के अंडर रहेगा। इन सब के गजबा हिंद के अंदर दिल्ली पे जब तक हिंदू को सफाया नहीं कर दिया जाएगा इनको सुख चैन नहीं मिलेगा। दे जेन्युइनली बिलीव इन इट। ये छुप के कोने में जाके कहीं पर्दे के पीछे कह देंगे या बनी गाली में जहां ये इनको फलसफा जिन पढ़ाते हैं वो होगा। देयर ओनली मोटिव इज हनूद और यहूद को तबाह कर दो, यानी यहूदी और हिंदू को। क्रिश्चियन इसलिए नहीं कहते कि इमिग्रेशन रुक जाएगा ना, फिर तो इनकी जहालत कभी नहीं जाएगी। वैसे इंडियन मौलवी साहब ने तो क्रिश्चियंस को भी बोल दिया है, कहते हैं कि वो भी दुश्मन है इस्लाम के, उन्होंने भी नुस्खे जला दिए थे कुरान के, नुस्खे जला दिए थे, क्या क्या कर दिया था बता रहे थे। इंडिया का मुसलमान तो विल बी द लास्ट मुस्लिम टू रिकॉग्नाइज द ट्रूथ। इंडिया का पूरा सिलसिला ये है कि द रूलिंग कांग्रेस ऑफ द टाइम आफ्टर पार्टीशन ट्राइड टू प्रूव दैट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स। तो अबुल कलाम आज चार एजुकेशन मिनिस्टर एक के बाद एक मुसलमान बैठा है, कोर्स में कहीं जिक्र ही नहीं है। आपको पता है इंडिया में राजा जाहिर का किसी को पता ही नहीं है। पहला इंडियन महाराजा जिसने इंडिया की इन्वेजन को रोका उसका जिक्र नहीं इंडिया में। अरे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और दिल्ली में आपको उर्दू में किताबें मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगी, जिसमें लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, घोड़े पे आया यूं करके ललकारा राजा जाहिर को, उसकी हवा निकल गई। ये दिल्ली में छपी हुई उर्दू में किताबें, वो जो जो नॉन मुस्लिम है वो उनको उर्दू में पढ़ने से क्या फर्क पड़ता। मैं दुकानों पे होके आया हूँ, वो पहले देखते हैं। अच्छा, वो पहले चेक मार्क दुकान वाला लगाता है कि अच्छा मुसलमान है, अच्छा फिर वो अंदर से लाता है किताबें बाहर। पूरी लाइफ झूठ पे है ना, दिखाने को कुछ और बोलने को कुछ और। अब जाइए पुरानी दिल्ली में देखिए। खैर एक और चीज भी हो सकती है, वहां सबके बिजली के बिल देखिए, वो कैसे एक दूसरे की वायरें काट कूट के इधर से उधर छतों पे जा रही होती हैं। आप देखेंगे तो कोई बोलेगा ऊपर से, क्या देख रिया भैया, देख रहे हो तार किधर से किधर जा रहा है। कुंडा लगा हुआ है, कराची वाला सिस्टम पूरा पुराना दिल्ली जो है उसमें कुंडे लगे हुए हैं। और कोई ऊपर देखा तो आसमान से आवाज आती है, क्या बे क्या कर रिया, ऐसा लगता है नाजो नंबर 4 के अंदर में। वही नाजोबाद वालों की हरकत है वैसे, ये कुंडे वाले। मैं वही क्या हूँ नाजोबाद नंबर 2 का। मेरे भी बड़े रिश्तेदार रहते हैं, पूरे दिन उनका एसी चलता रहता है क्योंकि आना नहीं है, कुंडा हर रूम का एसी ऑन रहता है, बंद ही नहीं करते, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि बेवकूफ थोड़ी ही जाके नाजमा है, ये तो अपना लौंडा करा देगा वहां से इधर से, ये बंद किया तो वो कुंडा उधर लगा देगा। और धड़ाधड़ लोग एसी में बैठ के फ्रिज खोल के खड़े, आज बड़ी गर्मी है भैया। अभी तो गर्मी नहीं है ना जी। हाँ नहीं, सारी दुनिया बदल सकती है, नाजमाबाद वाले नहीं बदल सकते। हाँ, ये मेरा मानना है। मैंने सुना नाजमाबाद के जो लोग हैं उनकी कोई लिस्ट बनी है कि नाजमाबाद से कौन कौन निकला, तो उस लिस्ट में मेरा नाम भी था। की जगह है तारिक भाई, आप तो नाजमाबाद के। हम कभी नहीं रहे, हम कभी नहीं रहे नाजमाबाद। आई टेल यू इट इज द ओनली प्लान्ड पार्ट ऑफ कराची। आप देखिए नाजमाबाद के 4 ब्लॉक्स, 1, 2, 3, 4। अच्छा, उसमें 4 नंबर वाले जरा पैसे वाले होते थे, 1 नंबर वाले क्योंकि वो साइट इंडस्ट्रियल एरिया के पास आता था वो सी क्लास के थे, 2 नंबर वाले क्योंकि उनका लालू खेत से मिलता था तो उनकी वैसी डिवैल्यू हो जाती थी, तो हम 2 नंबर के। 2 नंबर नाजमाबाद पहली चरंगी और इमाम बाड़ा था जहां से लोग चोरी करते थे। अरे आपकी दुकानें बंद हो गई, छापा मार लो, लाइब्रेरी से किताबें उठा के लोग ले जा रहे हैं। हमारी मदर को जिसको कोई उनको कोई नहीं पसंद आता था ना, किसी की बात नहीं पसंद आती, तो कहती थी क्या लालू खेती हो जैसी हरकत। वो अल्टरनेट था, एक गोली मार कैटेगरी थी,
और एक लालू की हत्या डिग्री थी, इनका बैलेंस आपको ढूंढना था और नाजमाबाद में मिलता था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पाकिस्तान जाना तो होता नहीं मेरा, आपसे बात करके कुछ नाजमाबाद की याद आ गई, पहली चुरंगी। और बिल्कुल, और मैं किसी वक्त कोशिश करूंगी, जरा मौसम सही हो कराची जाऊंगी, आपको वहां से पिक्चर्स भी भेजती हूँ नाजमाबाद की। प्लीज, बहुत याद आता है शहर, मैं तो आ नहीं सकता। आई विल डू दैट। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।